मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों की गई रोशनी। मोतियाबिंद रोगियों के ऑपरेशन का आराध्य हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरज गुप्ता चैरिटी बता रहे हैं, लेकिन रोगियों का कहना है कि उनसे 1,500 रुपए लिए गए हैं। ACMO डॉक्टर एस के सिंह ने रोगियों के बयान लिए तो यह बात निकलकर सामने आई। बताया कि ऑपरेशन के लिए उन्हें उत्तरीपुरा के दुर्गेश कुमार शुक्ला लेकर आए थे, उसी को उन्होंने पैसे दिए। डॉक्टर एस के सिंह ने रमेश कश्यप, सुल्ताना देवी, राजा राम आदि के बयान लिए। सभी ने उन्हें बताया उनसे 1,500 रुपए लिए गए हैं। डॉक्टर नीरज गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मोतियाबिंद के ऑपरेशन का कैंप निःशुल्क लगाया था। आराध्या आई हॉस्पिटल के पहले भी बिगड़े हैं केस। आराध्या आई हॉस्पिटल में बिगड़े अन्य मामले भी सामने आने लगे हैं। थाना बर्रा क्षेत्र में एक हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से कुछ मरीजों की आंख की रोशनी जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में CMO महोदय के द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर थाना बर्रा क्षेत्र में धारा 419 और धारा 338 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में यह सामने आया है कि आराध्या आई हॉस्पिटल के द्वारा एक निशुल्क शिविर लगाने के लिए ना तो CMO महोदय के द्वारा कोई परमिशन ली गई, और इसके अलावा जिन मरीजों का उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया उनका फॉलोअप चेकअप नहीं किया गया, जिसकी वजह से 6 में से 4 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। इसके अलावा ऐसा भी सामने आया है कि किसी दुर्गेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने इन मरीजों से उस हॉस्पिटल में इलाज कराने के नाम पे 1,500 रुपए भी वसूल किए हैं। इस पूरे प्रकरण की विवेचना थाना बर्रा पुलिस के द्वारा की जा रही है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जाएगी।